Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In today's session, we are going to start with a topic, but before we start the topic, you just go to subscribe button and subscribe my channel and also click on bell icon button so that you can get time to time notification of my upcoming videos, right? This will be the last session of my this video related to unit 1 so that we can understand it well. If it will not be complete with the exercise, then I'll give you the next video as well. So today's session is based on what are the different points of PPC which are allocated, which are decided by an economy on the given resources and technology. तो ये जो सारे points हम बार बार बना रहे थे PPC पे, ये points क्या होते हैं और क्या PPC हमेशा उन्ही points पे रहता है? इसका मतलब क्या एक इकोनॉमी हमेशा जो हम पॉइंट्स बना रहे हैं ऑन दी पीपीसी उसी पे ही ऑपरेट करती है? इसको एक और वे में समझना है, लाइक अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो क्या हमारी इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हैं? क्या हमारी इकोनॉमी में कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है? क्या हमारी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी जो गिवन है हम उसी के साथ फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं? नो, ऐसा रियलिटी में नहीं होता. अगर हम रियलिटी चेक करें, ये एक आइडियल फिनोमिनन है जो हमने बनाया है. हमने सिर्फ मेजर किया है कि अगर हम अपने रिसोर्सेस को फुली यूटिलाइज कर लें, टेक्नोलॉजी का फुलर यूटिलाइजेशन करें, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें, तो ये हमारी पोटेंशियल बाउंड्री है. क्या है पोटेंशियल बाउंड्री? ये. तो अगर आपने रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन किया है, रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है, टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली यूज करी है, तो ये आपके रिसोर्सेस के थ्रू ये दिखा रहा है कि ये एक इकोनॉमी इस लेवल तक काम कर सकती है. बट इन रियलिटी ये हमेशा नहीं होता. इस पे क्वेश्चन भी बनता है, एन इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी, द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन बिहाइंड दिस. तो इसका आंसर हमेशा होगा नो, बिकॉज एन इकोनॉमी कैन ऑल्सो ऑपरेट इन साइड दी पीपीसी. और यही रियलिटी है, वी ऑलवेज ऑपरेट इन साइड दी पीपीसी बिकॉज समवेयर वी आर स्टिल लैगिंग इन यूजिंग आर रिसोर्सेज विद देयर फुल पोटेंशियल. वी आर इनएफिशियंट टू यूज द रिसोर्सेज इन अप्रोप्रिएट वे, इसलिए ये प्रॉब्लम हमें आती है. फिर कभी होता है क्या पीपीसी आउटसाइड पहुंच सकता है? तो कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, कहते हैं हाँ पहुंच सकता है, पीपीसी आउटसाइड पहुंच सकता है. बट आप एक खुद बताइए, जो पीपीसी की डेफिनेशन है वो ये कहती है, पीपीसी का जो पॉइंट है वो ये कहता है, ऑन दिस पॉइंट ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. तो जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो गए तो बाहर कैसे आएंगे हम? इस पॉइंट पे आने के लिए हमें रिसोर्स चाहिए, पर रिसोर्स तो हमने यही यूज कर दिए, यहीं पे यूटिलाइज हो गए, तो हम बाहर तो आ ही नहीं सकते. तो यही पॉइंट हमें लोकेट करना है. नाउ द फर्स्ट पॉइंट, बिलो, बिलो द पॉइंट. अब आप खुद बताइए इस पूरे चार्ट में बिलो द पॉइंट कौन कौन सी हैं? जी और एच पॉइंट, राइट? तो पीपीसी में जो जी और एच पॉइंट है वो क्या है? इनसाइड द पीपीसी कर्व, एंड इनसाइड द पीपीसी कर्व पॉइंट्स इंडिकेट इनएफिशिएंट और अंडर एम्प्लॉयड, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस और अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेस, राइट? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेस और इनएफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी अभी भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से यूज नहीं हुई, रिसोर्सेज पूरी तरह से अप्लाइड नहीं हुए फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन. अब जो पॉइंट है हमारा सेकेंड ऑन दी पीपीसी, ऑन दी पीपीसी कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? ए, बी, सी, डी, ई और एफ. ये सारे पॉइंट क्या शो कर रहे हैं? ऑल दीज पॉइंट आर शोइंग द पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी. ये सारे शो कर रहे हैं कि एक इकोनॉमी की ये पोटेंशियल है, यानी कि इकोनॉमी इस पे काम कर सकती है. सो हेयर वी आर सेइंग फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. अब इस बात को बहुत सिंपली तरीके से समझने की जरूरत है. कैसे? लाइक
आपकी लाइफ में भी ये चीजें बहुत होती हैं। आपसे कहा जाता है कि आपको बड़े होकर के सीए बनना है, आपको बड़े होकर के सिंगर बनना है, या आपको ये करना है। आप सब अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करते हैं, राइट। कभी कभी स्कूल में ऐसा होता है कि मार्क्स को देख करके कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप 90 अबव तो इजीली ला सकते हैं, या आप खुद अपने मन में डिसाइड कर लेंगे कि मुझे 95 तो लानी है। तो ये आपका पोटेंशियल है कि आपने इमेजिन कर लिया। इसी तरह इकोनॉमी का ये पोटेंशियल है कि हमने मान लिया कि सारे रिसोर्सेज अगर लग गए, फुलर यूटिलाइज हो गए, तो डेफिनेटली इकोनॉमी इस तरह से ऑपरेट करेगी। सेम विद यू, अगर आप पूरी तरह से डेडिकेशन में लग गए अपनी पढ़ाई में, तो 95+% आराम से लाएंगे। लेकिन इन रियलिटी अगर आप 95 ना ला करके 90 पे रह गए, राइट। सेम अगर आप सीए बनना चाहते थे बट नहीं बन पाए, बट आई विश कि आप सब बने, लेकिन अगर नहीं बन पाए किसी भी कारण, तो आप अपने पोटेंशियल से कहीं बिलो ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं चूक गए अपनी कैपेसिटी को, अपनी एफिशिएंसी को फुलर यूटिलाइज करने में। यू आर रिमेन अंडर एम्प्लॉयड, यू आर रिमेन अंडर यूटिलाइज, यानी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई जिसको आपने यूज नहीं किया, और आपकी जो पोटेंशियल लेवल आपने सेट किया था वो आप अचीव नहीं कर पाए। सेम हेयर हमारी इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। जब हम बात करते हैं ना फुल पोटेंशियल की, तो ये फुलर यूटिलाइजेशन तो है, बट कहीं ना कहीं हम चूक गए, जिस वजह से हम इनसाइड दी पीपीसी ऑपरेट कर रहे हैं। अब आती है बाहर वाले पॉइंट की बात। ये पॉइंट्स क्या इंडिकेट करते हैं? दीज पॉइंट इंडिकेट्स नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब ये पॉइंट हमें अचीव करने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है, ये पॉइंट हम अचीव कर ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं आउटसाइड द पीपीसी कर्व। तो ये पॉइंट कौन कौन से हैं? आई और जे। ये पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन को हम अटेन नहीं कर सकते। अगर हम ओवरऑल अब बात करें तो देखो जी और एच पॉइंट क्या है, क्या हम इनको अटेन कर सकते हैं? अब एक क्वेश्चन और बनता है इस पॉइंट पे, क्या पॉइंट इनसाइड दी पीपीसी अटेनेबल और नॉट अटेनेबल, और दी आउटसाइड दी पीपीसी पॉइंट अटेनेबल और नॉन अटेनेबल। तो याद रखिए, जो भी पॉइंट आउटसाइड बन रहे हैं लाइक आई एंड जे, ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, और जो पॉइंट इनसाइड बनते हैं और ऑन द बनते हैं वो सब अटेनेबल है। वाई? क्योंकि ये हमारी पोटेंशियल है, अटेनेबल है, 95% आप ला सकते हो, ये आपका पोटेंशियल है, यानी अटेनेबल है, हम कर सकते हैं अपनी इच्छा पूरी, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, राइट। बट अगर किसी कारणवश, किसी चूक से इनसाइड रह गए, या हम कहीं ना कहीं इकोनॉमी को अंदर की साइड एम्प्लॉयड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी अटेनेबल है, यही तो हो रहा है एक्चुअली, तो अटेन तो यही किया ना, ये पोटेंशियल है, ये अटेनेबल है, ये भी अटेनेबल है। तो ऑन दी पीपीसी और इनसाइड दोनों अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है? आई और जे। तो इसको मैं यहाँ बहुत क्लियर लिख देती हूँ, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। इनसाइड दी पीपीसी मीन्स इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑल्सो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, यानी ये कॉम्बिनेशंस को हम अटेन कर सकते हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, राइट। अब मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं ऑन दी पीपीसी, तो ये क्या है? पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, और क्या कह सकते हैं हम? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, और अगेन इट इज ऑल्सो अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन भी अटेनेबल है। और अगर मैं बाहर की बात करूं आईजे, तो ये पॉइंट्स क्या है? नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्या है? नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, राइट। तो ये पॉइंट क्या है? नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो ये बताता है कि रिसोर्सेज हमारे पास इस पॉइंट के लिए अवेलेबल नहीं है, यहां पहुंचने के लिए हमें रिसोर्सेज को बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट्स बिलो ऑन एंड अबव द पीपीसी इंडिकेट। ध्यान में रखना है, बिलो मीन्स इनएफिशिएंट यूज, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लाइक अगर हम इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि रिसोर्स तो है
आदमी तो है, वो काम भी करना चाहता है बट उसके पास नौकरी नहीं है। तो अगर हमारी इकोनॉमी सबको काम दे दे तो ऑपरेशन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, बट ऐसा है नहीं। हमारे कई लोग आज भी अनएम्प्लॉयड है। इसी कारण हमारी इकोनॉमी हमेशा कैसी रहती है, इनसाइड दी पीपीसी, हम हमेशा इनसाइड दी पीपीसी ऑपरेट करते हैं। सबको पता है इंडिया चाहे तो कुछ भी कर सकता है, यानी हमारे अंदर कैलिबर है, पोटेंशियल है, बट हम नहीं कर पा रहे, मीन समवेयर वी आर नॉट एबल टू फुली यूटिलाइज आर रिसोर्सेज। सो यू जस्ट ड्रॉ टू दिस डायग्राम एंड ऑल्सो राइट इट्स एक्सप्लेनेशन। So you have written all such, all right. Now we are on the topic change in PPC. PPC में change कब आता है? जब हम अपनी definition की बात कर रहे थे, हमने clearly ये बात कही थी, resources are given and technology is constantly used. मतलब constant है, use हो गई है, सब कुछ है, but there is a scope if there is any change in resource and technology in the economy, then definitely PPC will also change. यानी हम हमेशा उसी पर नहीं रहते, हमारा potential level भी हर महीने, हर हफ्ते, हर साल बदलता रहता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि PPC change हो सकता है, but circumstances क्या है, situation क्या है। पहले हम बात कर रहे थे PPC shift नहीं होता, PPC change नहीं होता जब resources given है और technology constant है, but जब यही चीजें बदल जाएंगी तो definitely रिसोर्सेस की और टेक्नोलॉजी की वजह से पीपीसी भी बदलेगा। तो अब वो बदलाव कैसे आएगा, चेंजेस कैसे आएंगे, वो हमें पढ़ना है। देर आर टू डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पीपीसी। पीपीसी यहाँ दो तरह से बदलता है, एक तो होता है रोटेशन इन पीपीसी और एक होता है शिफ्ट इन पीपीसी। रोटेशन का मतलब ये क्या है, इफ ओनली वन गुड्स रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चेंज। इसका मतलब है कि गुड एक्स है और यहाँ गुड वाई है, इन दो के बेसिस पे एक कॉम्बिनेशन बना है और ये ए बी जो पॉइंट है, ए बी इज योर पीपीसी, राइट। तो ये ए बी आपका पीपीसी बना हुआ है जो ओरिजिनल है, बट अगर रिसोर्स किसी एक गुड का, यानी गुड वाई और या गुड एक्स, किसी में से किसी एक चीज का, या तो टेक्नोलॉजी बदली या फिर रिसोर्स बदला, उसकी वजह से जो चेंज आएगा तो सिर्फ रोटेशन होगा, मतलब एक एक्सिस पे ही चेंज आएगा। आप कैसे समझो, सपोज हम पहले बात करते हैं, पहले हम हेडिंग इसमें डालते हैं फर्स्ट पॉइंट। हियर आई एम राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज डिक्रीज, पूरा लिख देती हूं मैं, डिक्रीज इन रिसोर्सेस ऑफ गुड एक्स। अब देखो ध्यान से सुनना, डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स के रिसोर्सेज डिक्रीज हुए, इसका मतलब गुड एक्स का प्रोडक्शन कम होगा, राइट। गुड वाई में कोई चेंज नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या कह रहा है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स में ही सिर्फ चेंज होगा, गुड वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। सो हेयर कम्स द रोटेशन। रोटेशन अब कैसे होगा, ध्यान से देखना, ये तो अपने ही पॉइंट पे रहेगा और यहां से पॉइंट निकलता निकलता अंदर आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा नया पॉइंट पीपीसी। तो जो पहला पीपीसी था वो क्या था, ए बी, आर फर्स्ट पीपीसी, बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक नया पीपीसी बना जिसको हम बोलते हैं ए बी वन और पीपीसी वन। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, चेंज किसमें है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स, गुड एक्स के रिसोर्सेज डिक्रीज हुए, इसलिए क्या हुआ कि ये तो अपनी सिचुएशन पे रहा, रोटेशन हो गया, रोटेट हो गया कर्व, पहले ये कर्व यहां था, अब ये कर्व रोटेट होके इनसाइड आ गया, तो किस साइड आ गया, इनसाइड रोटेशन। क्या हम लिख सकते हैं इसको, रोटेट इनसाइड, रोटेट इनसाइड दी पीपीसी, ओरिजिनल पीपीसी के इनसाइड, रोटेट इनसाइड दी पीपीसी ऑन एक्स एक्सिस। किस पर रोटेशन हुआ, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इनसाइड द पीपीसी ये रोटेट हो गया, राइट। अब ये सिचुएशन एक और जगह भी अप्लाई हो सकती है, व्हेन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड एक्स डिक्रीज्ड और आउटडेटेड। टेक्नोलॉजी डिक्रीज क्या होगी, टेक्नोलॉजी विल बी आउटडेटेड और अपडेटेड, या तो टेक्नोलॉजी न्यू आती है या आउटडेटेड हो जाती है। तो सपोज गुड एक्स की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, राइट, तो उस कंडीशन में भी क्या हुआ, रोटेट इनसाइड। तो ये हो गई डिक्रीज की कंडीशन, अंडरस्टूड हियर।
अब यही डिक्रीज को अगर मैं चेंज कर दूं फॉर गुड वाई, अब हम क्या लिखेंगे, गुड वाई चेंज कर रही हूं अब मैं. सो हेयर आई एम गोइंग टू राइट नाउ डिक्रीज इन रिसोर्सेस, शॉर्ट में लिखा है ऑफ गुड वाई. ये दूसरा पॉइंट, डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड वाई. तो वापस से हम अपने ओरिजिनल पीपीसी पे ध्यान देते हैं, राइट right? तो हमारा ओरिजिनल पीपीसी क्या है, ए बी इज आर ओरिजिनल पीपीसी. तो ये हो गया. अब हम इस पे ध्यान देंगे इस पॉइंट पर कि अब क्या चेंज आया. तो अब क्या है, बात वही हो गई, ये अब हमारी सिचुएशन चेंज होगी. डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड वाई, यानी बी में कोई चेंज नहीं आया, किस में चेंज आया, ए में. तो अब कैसे रोटेट होगा, बाहर जाएगा, नो यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि डिक्रीज हुए हैं, तो यहां घूम करके ए वन हो गया. अब देखिए बी में कोई चेंज नहीं, इसलिए बी में तो वही रहा. जैसे ही शिफ्टिंग स्टार्ट हुई तो बी की पॉइंट से स्टार्ट होकर ए के नीचे ये रोटेट हो गया. तो अब क्या कहेंगे, डाउनवर्ड रोटेशन टू वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिनल पीपीसी. तो अब जो आपका बना वो क्या बना, ए वन और बी इज योर न्यू पीपीसी कर्व, राइट. सो हेयर रोटेशन कम अंडर दी ओरिजिनल पीपीसी. ये आपका ओरिजिनल था ए बी, अब उसके नीचे रोटेट हो गया, कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे. सो व्हाट वी विल राइट हेयर, इट इज डाउनवर्ड रोटेशन टू वाई एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के ही नीचे गया, y एक्सिस के ही अंदर आया, या तो हम इसको लिखते हैं अंडर शिफ्टिंग या फिर डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ दी टू दी y एक्सिस. तो इस तरह से क्यों हुआ, डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ y गुड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर y रिसोर्सेज. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ध्यान में रखना और डिक्रीज इन रिसोर्सेज एक ही बात है. इन लोगों, इन दोनों कंसेप्ट के लिए चेंज सेम डायरेक्शन में होगा. मैं यहां लिख देती हूं ये सिचुएशन किसके लिए हो रही है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन गुड वाई. तो ये दो कंडीशन हो गई, डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड वाई, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन गुड वाई. जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं इसका एक और क्राइटेरिया आपको समझाती हूं. Alright, so now the situation is changing. Now we are going for third situation. अभी हमने गुड एक्स और गुड वाई दोनों में डिक्रीज इन रिसोर्सेज और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की बात करी. अब मैं कहती हूं कि देयर इज व्हाट वी विल राइट, देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स, राइट. और क्या हो सकता है, न्यू, साफ साफ लिखेंगे न्यू टेक्नोलॉजी यूज्ड किसके लिए, एक्स के लिए. हम किसकी बात कर रहे हैं, गुड एक्स की. ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, गुड एक्स की. किसकी बात कर रहे हैं, गुड एक्स की. गुड एक्स में या तो रिसोर्सेज बढ़े हैं या न्यू टेक्नोलॉजी यूज हुई है. इसका मतलब पहले रोटेशन कहां हो रहा था, इनसाइड. अब कहां होगा रोटेशन, अब बाहर से लगेगा. क्यों, क्योंकि बढ़ रहा है और बढ़ेगा तो कहां जाएगा, आगे की तरफ. घटता है तो कहां जाता है, पीछे की तरफ. अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तकनीक आएगी, नया कुछ आएगा, तो आपका प्रोडक्शन स्पीड में बढ़ेगा, राइट. स्पीड फास्टर हो जाएगी आपका प्रोडक्शन, तो ज्यादा आउटपुट क्रिएट होगा, ज्यादा बिकेगा, ज्यादा इनकम जनरेट होगी, लोगों में ज्यादा बटेगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी विल ग्रो. बट यहां पे केस क्या है कि हम गुड एक्स की बात कर रहे हैं, तो गुड एक्स का वाई में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ किस में चेंज आया, गुड एक्स में. तो जो पहले आपका पीपीसी था वो ए बी था, पुराना पीपीसी. अब आपका पीपीसी कहां आ गया, ए बी वन, न्यू पीपीसी, दिस इज हेयर. तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, आउटसाइड रोटेशन ऑफ पीपीसी टू एक्स एक्सिस, क्योंकि किस साइड हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ. समझ में आया, नई टेक्नोलॉजी किसकी यूज हुई, एक्स में, और नया रिसोर्स कहां लगा, एक्स में, जिसकी वजह से आउटसाइड रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया. सो दिस इज हाउ इंक्रीज जस्टिफाइड हियर. अब इसी सिचुएशन को मैं चेंज कर दूं और मैं ले जाऊं अब फोर्थ सिचुएशन में,
which is of increase in resources of y. अब किसको ले रही हूँ मैं, y को, ठीक है. तो अब y के चेंज को हमें देखना है, करेक्ट. तो y के चेंज के लिए आई हैव टू इरेज इट, क्योंकि मुझे y का चेंज दिखाना है, तो मैं ये सब हटा दूंगा आपके लिए. सो नाउ आई होप यू ऑल हैव रिटन इट. आप जस्ट वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उस सिचुएशन को आप लिख लीजिए, ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे. इंक्रीज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप प्लीज इसको पूरा लिख लेना अपनी नोटबुक में जब भी लिखें. इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड वाई वाई और न्यू टेक्नोलॉजी यूज फॉर वाई, तो अब कैसा बनेगा. आई होप अब तो आ गया होगा ना बनाना. यस yes, बहुत इजी है. अब बी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बी के बाहर की तरफ से हम रोटेट होते हुए गए और यहां आ गए. कहां आ गए हम, ए की तरफ आ गए. ये थोड़ा सा इसको बढ़ा दे वाई एक्सिस को, राइट. तो अब हम कहां आ गए, ए की तरफ, यानी कि y एक्सिस की तरफ रोटेट कर दो. तो यहाँ पे अब हमारा एक नया स्टेप बन गया ए वन. अब देखो रोटेशन किस डायरेक्शन में हुआ, y की तरफ. कहाँ कर्व निकला, आउटसाइड अपवर्ड. पहले डाउनवर्ड था, नीचे की तरफ गया, अब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, a के ऊपर चढ़ गया. ओरिजिनल पीपीसी क्या, ए बी. अब क्या बना, ए वन बी द न्यू पीपीसी. और ये नया पीपीसी क्या दिखा रहा है, ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड वाई और न्यू टेक्नोलॉजी यूज्ड इन गुड वाई, जिसकी वजह से ये आउटसाइड यानी अपवर्ड रोटेट हो गया. तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, अपवर्ड रोटेशन टू वाई एक्सिस, अपवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी, अपवर्ड रोटेशन ऑफ पीपीसी टू वाई एक्सिस, राइट. तो आप इसको लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा. दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन. चार सिचुएशन थी हमारे पास. पहली सिचुएशन क्या थी, व्हेन डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ गुड एक्स और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. फिर सेकंड थी व्हेन डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ वाई एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. थर्ड बनी इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ एक्स, राइट, आउटसाइड आ गए हम. फिर इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ वाई, अपवर्ड चढ़ गए हम, ऊपर की तरफ निकल गए. तो इन चार सिचुएशन में रोटेशन ऑफ पीपीसी होता है. दिस इज हाउ पीपीसी कैन चेंज. अब आता है इसका ऑपोजिट, शिफ्ट इन पीपीसी. आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि अगर दोनों के ही रिसोर्स बदल जाए, दोनों में ही टेक्नोलॉजी, अगर इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ला रही है तो सिर्फ एक्स में क्यों लगाएगी, वाई में भी तो लगा सकती है, उसी टाइम पे लगा सकती है जिस टाइम पे एक्स पे लगा रही है. आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा ही होता है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये सिचुएशन आ जाए, और ये सिचुएशन भी आती है जो आप सोच रहे हो कि दोनों भी तो बदल सकते हैं. यस, तो अब हम बात करें इफ बोथ दी गुड्स, ध्यान में रखना, इफ बोथ दी गुड्स रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी चेंज, दोनों ही गुड के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी एक साथ चेंज होते हैं, तब आता है पैरेलल शिफ्ट. क्या आता है, पैरेलल शिफ्ट. बिल्कुल उसी के अपवर्ड और डाउनवर्ड, आउटसाइड और इनसाइड एक नया पीपीसी फॉर्म होगा. कैसे, उसको देख लो, ये तो बहुत इजी है, जल्दी समझ में आ जाएगा. इसकी पहली सिचुएशन इंक्रीज, क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बोथ एक्स एंड वाई. दोनों में नई टेक्नोलॉजी आ गई, दोनों में नया रिसोर्स आ गया, तो अब क्या होगा, व्हाट वी विल डू, नई टेक्नोलॉजी नया रिसोर्स विल गिव द न्यू फॉर्मेशन ऑफ पीपीसी. तो अब देखो आपकी पहली पीपीसी क्या थी, पहले पीपीसी क्या थी, ए बी वॉज योर प्रीवियस पीपीसी. अब क्या बनी, ए वन और बी वन, किसकी वजह से बनी, नई टेक्नोलॉजी नया रिसोर्स यूज होने की वजह से. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज अपवर्ड शिफ्ट और आउटवर्ड शिफ्ट. क्या लिखेंगे हम, आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी टू पीपीसी, आउटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी, यानी बाहर की तरफ एक नया पीपीसी बढ़ गया. तो एनी इंक्रीज फॉर बोथ दी गुड्स विल गिव यू द पैरेलल शिफ्ट ऑफ ओरिजिनल पीपीसी, नया पीपीसी हमारा फॉर्म होता है. अब इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं बात करूं सेकेंड सिचुएशन, राइट,
तो सेकंड सिचुएशन को हम यहाँ लिखते हैं। सेकंड सिचुएशन हमारी क्या कहलाएगी अब, कि क्या ये तो इंक्रीज हुआ, अब सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी इस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, दोनों के रिसोर्स डिक्रीज हुए। तो क्या होगा, दोनों के रिसोर्स डिक्रीज हुए यानी दोनों की कैपेसिटी कम होनी शुरू हो गई। इसका मतलब अब जो पीपीसी बनेगा वो क्या होगा, इनसाइड शिफ्ट। कैसा बना, ये आउटसाइड शिफ्ट हुआ, अब ये कैसा बनेगा, इनसाइड शिफ्ट। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो पहले आपका क्या था, एबी, आपकी पहली पीपीसी क्या थी, एबी, और अब क्या बनी, ए जीरो बी जीरो इज योर न्यू पीपीसी विच इंडिकेट्स देयर इज इनसाइड शिफ्ट ऑफ पीपीसी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू राइट, इट विल बी कॉल्ड इनसाइड शिफ्ट टू ओरिजिनल पीपीसी। ओरिजिनल पीपीसी के ये इनसाइड शिफ्ट हो गया और ये कहां गया, आउटसाइड शिफ्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ दी गुड्स, इसमें क्या हुआ, डिक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ दी गुड्स और आउटडेटेड, क्या लिखेंगे हम, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज इन बोथ एक्स एंड वाई, दोनों में यूज हो, जिसकी वजह से बिल्कुल पैरेलल शिफ्ट आएगा, आगे बढ़ेगा या नीचे अंदर बढ़ेगा, अंदर घटेगा, दोनों के केस में। तो अब इसके मैं थोड़े से एग्जांपल्स और समझा देती हूँ किस तरह से ये होता है। यू जस्ट बिफोर इट यू जस्ट राइट डाउन दिस होल। सो यू हैव ड्रॉन ऑल दोज चार्ट। सो टूडे In today's video, we have done related to on the PPC, below the PPC, outside the PPC, what are they indicating, as well as we have solved the problem of related to change in PPC, because reality में हम हमेशा एक situation में नहीं रहते, so there may be a change in, change will be in two direction, rotation हो सकता है, shift हो सकता है, rotation कब होगा, जब only one good के resource और technology change होती है, वो मैंने आपको समझाया था, अभी raise हो गया है, और यहाँ पे क्या बताया था, if both the good resources एंड टेक्नोलॉजी चेंज, यानी दोनों ही बदल रहे हैं, तो आउटवर्ड शिफ्ट होता है और इनसाइड शिफ्ट होता है टू दी ओरिजिनल पीपीसी। तो ये हमारे सारे शिफ्ट है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज और इंक्रीज इन रिसोर्सेज ऑफ बोथ, इससे हमारे बनते हैं। अब इनके जो रियल लाइफ एप्लीकेशन एग्जाम्पल होते हैं, जो हमारे इकोनॉमी में एक्चुअली होते हैं, वो मैं आपको यूजिंग पीपीसी नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट करती हूँ। सो देन आर फर्स्ट यूनिट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विल बी कम्प्लीटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियो। तो आप सबको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एज वेल। थैंक यू, बाय बाय।